वेलकम टू अभिजीत मिश्रा चैनल। नमस्कार दोस्तों, अभिजीत मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, अभिजीत मिश्रा चैनल आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज का यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सामान्य ज्ञान से लगभग 50 प्रश्नों को शामिल किया है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। इस वीडियो में मैंने ऐसे ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जिसके आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाने की काफी संभावना है। तो चलिए देखते हैं सामान्य ज्ञान से कुछ प्रश्नों को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें पहला प्रश्न है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है पहला पेरिस में, दूसरा आस्लो में, तीसरा रोम में और चौथा इस्तांबुल में। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, यानी कि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा स्थल मिसाइल परीक्षण क्षेत्र के लिए जाना जाता है। तो इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें कि ए सही है, यानी कि मिसाइल परीक्षण क्षेत्र के लिए चांदीपुर को जाना जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था, जिसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। आप लोगों ने ये कहा था कि मैं सारे ऑप्शन को ना पढ़ के सिर्फ आंसर ही बताऊं, इसलिए मैं सारे प्रश्नों का डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूं, जिसमें चार ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, यानी कि उदयगिरी। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एप्लिक शिल्प के लिए जाना जाता है। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, यानी एप्लिक शिल्प के लिए पीपली जाना जाता है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था, जिसमें चार ऑप्शन दिए हैं। इसमें डी यानी अवंती बर्मन ने, जगन्नाथ मंदिर को अवंती बर्मन ने बनवाया था, कि उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ का प्रसिद्ध मंदिर कला का उत्कृष्ट नमूना है। इस मंदिर का निर्माण उड़ीसा के राजा अवंती बर्मन द्वारा 11वीं शताब्दी में कराया गया था। पुरी की गणना प्राचीन भारत की सप्तपुरियों में की जाती है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस स्थान पर हिंदुस्तान जस्ता संयंत्र यानी जिंक प्लांट स्थित है, जिसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें डी सही है, यानी कि विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम पर हिंदुस्तान जस्ता संयंत्र स्थित है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, जिसमें डी सही है, यानी कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस स्थान पर प्राचीन कालीन कलिंग की एक महत्वपूर्ण बस्ती थी। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, यानी तोसाली पर प्राचीन कलिंग की एक महत्वपूर्ण बस्ती थी। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी उड़ीसा से निकलकर गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है, जिसमें चार ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें डी सही है, यानी इंद्रावती, इंद्रावती नदी उड़ीसा से निकलकर गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसके लिए चिल्का झील
प्रसिद्ध है, जिसमें चार ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें डी सही है, यानी सफेद झींगा मछली। चिल्का झील प्रसिद्ध है सफेद झींगा मछली के लिए। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लाल ग्रह कौन सी है, जिसमें चार ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें बी सही है, यानी लाल ग्रह मंगल है, लाल ग्रह मंगल को आता है, और नीला ग्रह पृथ्वी को, और लेटा हुआ ग्रह यूरेनस को, और हरे रंग का ग्रह नेपच्यून को, और जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, यानी इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा में क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें कि डी ऑप्शन सही है, यानी कि उड़ीसा में क्षेत्रीय अनुसंधान भुवनेश्वर में स्थित है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से उड़ीसा का सर्वप्रथम महाविद्यालय कौन सा है, जिसमें चार ऑप्शन हैं, तो इसमें बी ऑप्शन सही है, यानी कि उड़ीसा का सर्वप्रथम महाविद्यालय रेवनसा महाविद्यालय है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन हॉकी खिलाड़ी है, जिसमें ए ऑप्शन सही है, यानी कि इनमें से इन चार ऑप्शनों में से दिलीप तिर्की हॉकी का खिलाड़ी है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी उड़ीसा की प्रमुख धान्य फसल है। इसमें सी ऑप्शन सही है, यानी कि चावल उड़ीसा का मुख्य धान्य फसल है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन है, जिसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें सी ऑप्शन सही है, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक एम के गांधी हैं। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से भारत का कौन सा राज्य अधिकतम घने वनों से अन्नाच्छादित है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, यानी कि मध्य प्रदेश भारत राज्य का अधिकतम घने वनों से आच्छादित है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, यानी इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है। इसमें ए ऑप्शन सही है, यानी रबी फसल। रबी फसल को भारत में शीतकालीन ऋतु के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि तिब्बत से होकर भारत में बहने वाली नदी कौन सी है। तो तिब्बत से होकर भारत में बहने वाली नदी ब्रह्मपुत्र है, यानी कि इसमें सी ऑप्शन सही है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी से निकलकर 2900 किलोमीटर की दूरी तय कर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसे तिब्बत में सांपू तथा असम में दिहांग नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हैदराबाद पहले किस नाम से जाना जाता था। तो हैदराबाद पहले भाग्यनगर के नाम से जाना जाता था, यानी इसका ए ऑप्शन सही है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है। तो कुल्लू घाटी
हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस क्षेत्र में मचकुंद बिजली परियोजना स्थित है? तो मचकुंद बिजली परियोजना कोरापुर में स्थित है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत से दक्षिण तथा उत्तरी भागों को अलग करती है? इसमें चार ऑप्शन है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है, यानी सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भारत के दक्षिण तथा उत्तरी भागों को अलग करती है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तार यानी टेलीग्राफ कोड का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीग्राफ या तार का आविष्कार SFB मोर्स ने किया था, यानी इसका ए ऑप्शन सही है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा स्थल जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें बी ऑप्शन सही है, यानी खंडगिरी। खंडगिरी स्थल जैन गुफाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्थल अपने थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें डी ऑप्शन सही है, यानी तलचर अपने थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? तो इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क भुवनेश्वर में स्थित है, यानी इसका डी ऑप्शन सही है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसमें डी ऑप्शन सही है, यानी महाराष्ट्र राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? जिसमें कि ए ऑप्शन सही है, यानी ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? जिसमें सी ऑप्शन सही है, यानी भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? जिसमें कि सी ऑप्शन सही है, यानी कि 1853 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, क्योंकि उसी के शासनकाल में भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर मुंबई से ठाणे के बीच शुरू हुई थी। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि परिकलन मशीन का आविष्कार किसने किया? तो इसमें ए ऑप्शन सही है, यानी ब्लाइस पास्कल। परिकलन मशीन का आविष्कार ब्लाइस पास्कल ने किया। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के इन राज्यों में से सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? तो इसमें डी ऑप्शन सही है, यानी कि महाराष्ट्र में। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा था? तो अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास ने लिखा था, यानी इसका डी ऑप्शन सही है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सदाबहार वनों का दूसरा नाम क्या है? तो सदाबहार वनों का दूसरा नाम उष्णकटिबंधनीय है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य में
लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडारण है? तो लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडारण तमिलनाडु राज्य में है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के पश्चिमी समुद्री तट को कोंकण के नाम से जाना जाता है, यानी इसका डी ऑप्शन सही है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नदी को चीन के शोक के रूप में जाना जाता है? तो चीन के शोक के रूप में हांग हो नदी को जाना जाता है, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। बीस जनवरी 1956 को भारत, जिसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें डी ऑप्शन सही है, यानी कि 20 जनवरी 1956 को भारत गुट निरपेक्ष बन गया था। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि धरती से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो धरती से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र त्रिशूल है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रेल कोच फैक्ट्री निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में स्थित है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी हिमवर्ती नदी है? तो हिमवर्ती नदी गंगा है, यानी इसका ए ऑप्शन सही है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसके लिए कच्छ कारण जाना जाता है? तो इसमें डी ऑप्शन सही है, यानी कच्छ कारण जंगली गधा के लिए जाना जाता है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में उसके गीतों की पुस्तिका गीतांजलि के लिए उन्हें साहित्य का नोबल पुरस्कार मिला था। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? तो भारत सरकार का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है, यानी इसका डी ऑप्शन सही है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसके लिए टिकरपाड़ा स्थित अभ्यारण जाना जाता है? तो इसमें ए ऑप्शन यानी घड़ियाल सही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा आज की दी गई जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो आप लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और यदि आपके मन में कोई सुझाव हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि मैं अगले वीडियो में उसे शामिल कर सकूँ। धन्यवाद। आपका दिन